बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक बड़ा आसान सा है, बड़ा सिंपल सा है, और आज हम इसको बिल्कुल टू द पॉइंट रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, ब्रीफ रखेंगे। एक कंसाइज्ड फॉर्म में मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करूं, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि यार एक जुवेनाइल होता कौन है। देखिए, जुवेनाइल कहते हैं एक बच्चे को, एक चाइल्ड। ठीक है, अ नॉन एडल्ट पर्सन, समवन हु इज़ नॉर्मली अंडर द एज ऑफ 17 और 18। ठीक है ना। अब पाकिस्तान जो है वो शुरू के उन 20 मुल्कों में से था जिसने UNCRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड साइन किया था। ठीक है, अब ये एक कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जिसमें हमने ये कमिट किया था कि जी हम बच्चों के जो राइट्स हैं उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम उसको इंश्योर करेंगे, और हम जो कानून वगैरह बनाएंगे उसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी बच्चों के हवाले से। ठीक है, उनके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, हम उनके बेस्ट इंटरेस्ट में जो चीज़ होगी हम उस हिसाब से कानून बनाएंगे। तो पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी था, और इसी हवाले से फिर पाकिस्तान ने ज़ाहिर आगे चल के कानून भी बनाया। 2000 में JJSO जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसमें जुवेनाइल के हवाले से, बच्चों के हवाले से जो है कानून सामने आया कि जी बच्चों को, बच्चों से अगर कोई क्राइम कमिट हो जाता है, किसी चाइल्ड से क्राइम कमिट हो जाता है, तो उसको किस तरह से हमने डील करना है, उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है, वो सूरत हाल हमारी क्या अप्रोच होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि यार जुवेनाइल होता कौन है। देखिए, जुवेनाइल जो है ना वो बेसिकली इज़ अ चाइल्ड हु इज़ अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, 18 साल से कम उम्र का जो भी होगा बच्चा होगा, अगर इफ़ इन केस ही हैपेंस टू कमिट अ क्राइम, तो फिर वो जुवेनाइल कहलाएगा, वो क्रिमिनल नहीं कहलाएगा। अब ये भी फ़र्क है। ठीक है, ये भी हमारे समझने की चीज़ है कि यार क्रिमिनल क्यों नहीं कहलाएगा, जुवेनाइल क्यों कहलाएगा। तो ये कर तो क्राइम कमिट कर रहा है ना वो। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इस पर ज़रा बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी इस वक्त करंटली पाकिस्तान में जो जुवेनाइल के लिए जो लॉ जो एक्टिवेट हुआ है वो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। ठीक है, JJSA 2018, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, इसको प्रोमलगेट किया गया है। इसकी वजह यह है कि जो उसके पुराना वाला जो था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस, उसको उसमें कुछ ज़ाहिर हर पुराने कानून में थोड़े से फ्लॉज होते हैं, थोड़े से लूप होल्स होते हैं, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिसको वो मीट नहीं कर रहा होता। तो ये वाला जो अभी कानून है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से काफ़ी बेहतर है, और काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे आप कह लें कि जो उसकी कमी पेशियाँ थी उसको ये कवर करता है बेहतर तरीके से, इस इशू को एड्रेस करता है। और इसमें अच्छी चीज़ यह है कि जी एक बच्चे की जो एज है वो डिटरमिन हो गई है, फिक्स हो गई है कि जी 18 साल की उम्र से कम जो होगा वो चाइल्ड है, और अगर उससे क्राइम कमिट होता है तो फिर वो जुवेनाइल है, और जुवेनाइल जब भी होगा तो फिर आपका ये जुवेनाइल जैसे सिस्टम एक्ट 2018 एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसके ऊपर जो कानून लगेंगे वो वही होंगे जो कि उसके बेस्ट इंटरेस्ट में हो। ठीक है ना, किसी अब देखें, ये बेसिकली बच्चों को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन मेजर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, उसके अरेस्ट के प्रोसेस के दौरान, उसके ट्रायल के प्रोसेस के दौरान, उसके इम्प्रिजनमेंट के प्रोसेस के दौरान जो भी बच्चा लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में होगा वो ये कानून उसको प्रोटेक्शन मेजर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में है। अब देखें यार, जुवेनाइल कहलाने की एक तो वजह ये भी है कि आप ना बच्चे पर क्रिमिनल का लेबल नहीं लगा सकते। हम सब ये बात जानते हैं, हम क्रिमिनोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं ये बात से इस बात से वाकिफ है कि जब किसी भी शख्स पे कोई लेबल लग जाता है ना तो वो एक तरह से उस लेबल का एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। ठीक है ना, खास करके जो बच्चे होते हैं यार, बच्चों को आप सेम तरीके से वैसे भी ट्रीट नहीं कर सकते जैसे किसी एडल्ट के साथ करते हैं, क्योंकि बच्चों की जो जहनी सोचने समझने की सलाहियत होती है वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके इम्पैक्ट को पूरी तरह से नहीं समझते, अपने डिसीजंस को पूरी तरह से वो नहीं समझते। वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, दुनिया को समझ रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको कानून के बारे में कुछ नहीं पता होता, उनको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ठीक है पता होता है, बच्चे भी मैच्योर होते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी एक एडल्ट को और एक बच्चे को, इन दोनों को का जो एक कानून से कॉन्फ्लिक्ट की के बाद जो डील करने की जो अप्रोच है वो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, ये यहाँ पे बात आ जाती है। तो बच्चों के लिए सेपरेट निज़ाम है, बच्चों के लिए सेपरेट मैकेनिज्म है, एडल्ट के लिए सेपरेट मैकेनिज्म है, और यही वजह है कि जी जो बच्चे हैं वो जुवेनाइल कहलाएंगे। ठीक है, और बच्चों से फिर अरेस्ट के हवाले से, उनके उनके ट्रायल के हवाले से, उनकी इम्प्रिजनमेंट के हवाले से उनको अलग से प्रोटेक्शन मेजर्स मिलते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं वो अभी हम आगे देख लेंगे। असल मकसद यही है कि जी बच्चों की जो वेलबींग है वो प्रमोट की जाए, खास करके बच्चे ये जो 18 से अंडर हैं। ठीक है, उन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में हैं,
असल देखिए, मकसद ये होता है, जो मेन जो असल इसके आपको मैं बता दूं कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का जो मेन जो पर्पज़ है, जो मकसद है, इसमें तमाम जो लोग इन्वॉल्व हैं, आपका कोर्ट जो इन्वॉल्व है, आपके पुलिस वाले जो इन्वॉल्व हैं, आपका जो प्रोसिक्यूशन का इवन जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, आपका प्रोबेशन ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, असल मकसद ये होता है कि यार किसी तरह से बच्चे को वो जो फॉर्मल एक रिजिड सा सिस्टम है ना क्रिमिनल वाला, जो ट्रायल का, अरेस्ट का और ये, उससे उसको बचा दिया जाए, ठीक है ना। बच्चा प्रिजन की शक्ल ना दिखे, बच्चा वो जो एक रिजिड चीज़ें हैं, एक मुश्किल तरीन एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो बच्चा वो गो थ्रू ना करे, बच्चे को बेहतरीन तरीके से बगैर उसको ट्रॉमाटाइज किए उसको रिफॉर्म किया जाए, बगैर उसको ट्रॉमाटाइज किए, बगैर उसको टफ टाइम दिए उसको एजुकेट किया जाए, उसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, उसको उसकी ग्रूमिंग करी जाए, उसकी पर्सनैलिटी बेहतर बनाई जाए और उसे सोसाइटी में वापस से लेकर आया जाए, ठीक है। ये असल मकसद होता है। तो डाइवर्जन पे बड़ा फोकस होता है, ठीक है ना। ये लफ्ज़ है बकायदा डाइवर्जन, कि इसको डाइवर्ट कर देना, इस तरह से डाइवर्ट कर देना कि जी बच्चा जो है वो प्रेजेंट जेल वेल ना जाए, और ना ही क्या कहते हैं कि ये उसको मतलब कोई इम्प्रिजनमेंट ना मिले, उसका केस डाइवर्ट हो जाए, सोसाइटी में वो वापसी आ जाए, उस दौरान उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ताकि वो एक बेहतर इंसान बन के सामने आए। तो अब अगर हम ये अब देखें, ये जो तमाम जुविनाइल का जो हमारा निज़ाम चल रहा है ना, ये एक एक्ट के ऊपर बेस करता है, और ये एक्ट क्या कहलाता है, मैंने पहले बताया, जुविनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ऑफ पाकिस्तान, JJSA 2018, ठीक है, 2018 वाला। 2018 वाले ने आके 2000 वाले को रिप्लेस किया, ठीक है ना। जो 2018 वाले ने आके जो उससे पिछला वाला था जुविनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000, उसको रिपील किया और ये उसकी जगह पे आ गया, ठीक है। अब ये उसकी जगह पे आ गया, तो इसने कुछ चीज़ें, इसके अब मैं आपको कुछ सेलेंट फीचर्स बताने लगा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसने ऑफेंस की जो कैटेगरीज है ना, वो मुतय्यन कर दी, कि जी तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं ऑफेंसेस की, जैसे कि माइनर है, मेजर है, हेइनेस है, ठीक है। अब माइनर ऑफेंस क्या होता है? माइनर ऑफेंस वो होता है जिसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट होती है वो कोई 3 साल तक की इंप्रिजनमेंट की होती है, विद और विदाउट फाइन, ठीक है ना। मेजर ऑफेंस वो होता है जिसमें 3 से लेके 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट की सज़ा होती है, विद और विदाउट फाइन, ठीक है। और हेइनेस ऑफेंस वो होता है जो कि बहुत सीरियस होता है, बहुत ब्रूटल होता है, बहुत शॉकिंग होता है पब्लिक मोरालिटी के लिए, और जिसमें आमतौर पर अगर आप देखें तो डेथ पेनल्टी मिल जाती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल जाती है, ठीक है। अब जुवेनाइल के लिए क्या है, ठीक है, ये तीन ऑफेंसेस की कैटेगरी तो मैंने बता दी, लेकिन जुवेनाइल को आप ना तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की सज़ा सुना सकते हो, ना ही जुवेनाइल को आप डेथ पेनल्टी दे सकते हो, ठीक है। और ये जो मैंने आपको शुरू की दो कैटेगरी बताई है ना, माइनर और मेजर, इसमें तो जुवेनाइल को आमतौर पर बेल भी इजीली ग्रांट हो जाती है, ठीक है, कोर्ट की तरफ से, जुवेनाइल कोर्ट की तरफ से बेल भी इजीली ग्रांट हो जाती है आमतौर पे। और बाकी ये जो हेइनेस वाली जो कैटेगरी है, जो कि ब्रूटल कैटेगरी है, सीरियस कैटेगरी है, इसमें फिर हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि जी जो क्राइम है वो किस नोयत का है। और इसमें एक और हमारे पास चीज़ होती है देखने की, कि जी अगर वो 16 ईयर्स से उसकी एज ज़्यादा है, 16 साल से अगर उसकी ज़्यादा है, तो फिर वो जो उसकी बेल वाला जो निज़ाम है वो कोर्ट की डिस्क्रेशन के ऊपर है, वो कोर्ट के ऊपर है। अगर कोर्ट को सूटेबल लगेगा कि यार इसको बेल ग्रांट कर देनी चाहिए तो वो कर देगा, कोर्ट को सही नहीं लगेगा तो फिर वो ग्रांट नहीं करेगी, ठीक है। 16 साल इस वाली कैटेगरी में, तीन मैंने आपको कैटेगरी बताई है, माइनर, मेजर और हेइनेस ऑफेंस, ठीक है। अब इसमें माइनर और मेजर में तो इजीली बेल ग्रांट हो जाती है, और हेइनेस वाली जो कैटेगरी है, जो कि सीरियस कैटेगरी है, ब्रूटल कैटेगरी है, इसमें कोई खतरनाक किस्म का वो क्राइम कमिट कर लेता है, तो इस कैटेगरी में कोर्ट ये देखेगा कि अगर 16 साल से कम उम्र है तो उसमें तो ठीक है, चलो बेल ग्रांट कर देगा, लेकिन अगर 16 से ज़्यादा उम्र है तो उसमें फिर वो कोर्ट की डिस्क्रेशन के ऊपर है, वो फिर उसकी केस की नौयत को देखेगा, उस बंदे बच्चे की बैकग्राउंड को देखेगा, और फिर फैसला लेगा कि जी हमने क्या फैसला लेना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखें, जो आपका अगर अरेस्ट और बेल की बात करूं, तो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है ना पुलिस स्टेशन का, उसने सबसे पहले अरेस्ट के बाद जो गार्डियन है उसको अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है, ठीक है, उसको टाइम बताना है, उसको डेट बतानी है, जुवेनाइल कोर्ट का नाम बताना है जो बच्चा अटेंड करेगा, मतलब तमाम रेलिवेंट डिटेल्स उसके गार्डियन को बता देनी है और फौरी तौर पर बता देनी है। और उसने उसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर ने, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने प्रोबेशन ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो एक रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट कहलाती है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है, वो सोशल इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर बनाता है और प्रोबेशन ऑफिसर को पुलिस वाले ने एक तरह से यानी कि इन्फॉर्म करना है कि भाई एक जुवेनाइल आया हुआ है, एक केस आया हुआ है, तो वो प्रोबेशन ऑफिसर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा और वो जुवेनाइल कोर्ट को फिर जाके वो प्रिपेयर बना के देता है कि जी जिसमें उसके बच्चे के हवाले से इन्फॉर्मेशन होती है कि जी बच्चा किस तरह से, बच्चे के क्या उसकी सूरत हाल थी, क्या उसकी सरकमस्टांसिस थे, ठीक है। दूसरा, बच्चे को ना राइट ऑफ लीगल असिस्टेंस होता है, ठीक है। हर जुवेनाइल जो है, हर बच्चा जो है जिससे ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके पास लीगल असिस्टेंस होती है एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट की, स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि जी वो बच्चे को लीगल असिस्टेंस अपने खर्चे पे प्रोवाइड करे और जुवेनाइल को उसके अपने इस राइट्स के बारे में बताना भी ज़रूरी होता है। जुवेनाइल शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज राइट्स, ठीक है, लीगल असिस्टेंस के हवाले से, और ये विद इन 24 आवर आपने करना होता है, ठीक है, विद इन 24 आवर्स आपने ये करना होता है। और इसके अलावा देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक और इस एक्ट में हमारे पास पॉइंट है कि आपने एज डिटरमिन करनी है जुवेनाइल की, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ एज। जे ऐसे एक्ट जो है ना, ये कंपलसरी कर देता है कि जो भी आपका ऑफिसर इंचार्ज होगा, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उसने एक इंक्वायरी करनी है जिसमें उसने एज डिटरमिन कर देनी है उस बच्चे की, उस बच्चे की एज डिटरमिन करनी है। अगर वो फिजिकली भी अपीयर हो रहा है ना कि यार वो बच्चा लग रहा है, या अगर वो क्लेम कर रहा है जुवेनाइल है, तो फिर आपने फौरन ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी है, इंक्वायरी स्टार्ट कर देनी है कि जी वो जुवेनाइल है कि नहीं है। अब एज कैसे डिटरमिन होगी, भाई उसके बर्थ सर्टिफिकेट थ्रू डिटरमिन होगी, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं हो सकती, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप देखें, और अगर ये तमाम चीज़ें मिसाल के तौर पे अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, चीज़ें होती हैं बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे फिर आपने मेडिकल एग्ज़ाम कराना है उसका, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर की आपने हेल्प लेनी है, उस मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के थ्रू पर आपने ये चीज़ मुतय्यन कर लेनी है, ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है कि जी क्या इसकी एज है, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये जो चीज़ है आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी ये चेक करता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपना ये वाला काम ठीक से करा है कि नहीं करा, और ये आपका जुवेनाइल कोर्ट भी ये चेक करता है कि जी ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसकी एज सही से डिटरमिन करी है कि नहीं करी, कहीं गलत एज तो नहीं डाल दी इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी बड़े इस पर बड़ी मतलब आप समझ लेंगे सख्ती है, ये बड़ी सख्ती से आपने चेक करनी होती है। और बच्चे को जैसे कि मैंने पहले बताया कि जी आपने अरेस्ट के बाद उसको आप प्रेजेंट में नहीं रख सकते, आप उसको जेल में नहीं रख सकते, तो बच्चों के लिए अलहदा से निज़ाम है ऑब्जर्वेशन होम का, ठीक है। बच्चों को जो इनसे ऑफेंस कमिट होता है, जो जुवेनाइल है, उसको टेम्परेरीली जब अगर पुलिस से उसको अरेस्ट करती है तो उसको प्रिजन में नहीं रखेगी, जेल में नहीं रखेगी, उसको एक सेपरेट जगह पे रखेगी जो कहलाएगा ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है, वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन से सेपरेट होना चाहिए ये। और उसके अलावा अगर इफ़ इन केस बाद में ये डिसाइड होता है कि जी बच्चों से क्राइम कमिट हो गया है, चीज़ें हो गई, ऑफेंस हो गया है, तो बच्चों को फिर बाद में जेल नहीं भेजा जाता, उनको भेजा जाता है जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिजन होता है जो खास बच्चों के लिए बनाया जाता है, जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए बनाया जाता है। इसमें जो भी कन्विक्टेड जुवेनाइल होगा वो इस जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर के प्रेमिसिस में रहेगा, और यहाँ पर उसको अच्छी बात यह है कि उसको एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जाती है, उसको वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग भी उसको प्रोवाइड करी जाती है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उसकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो है डायवर्जन। यानी डायवर्जन का वो है, इसमें मतलब आप समझें कि बड़ा फोकस है कि किसी तरीके से जितने भी केसेस हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाए, उनको इन बच्चों को इस तरफ लेके ही नहीं जाया जाए, बच्चों को किसी तरीके से आप समझें। अब डाइवर्ट कैसे होता है केस, भाई जो भी कंप्लेनेंट है, जो भी विक्टिम है, उससे बात कर ली जाए कि यार ये इसमें यहाँ का क्राइम है, अगर ये आपको एक रिटर्न अपॉलोजी दे देता है, एक ओरल अपॉलोजी दे देता है, आपके जो डैमेजेस, अगर वो आपको डैमेजेस आपको पे कर देता है, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है इतना कि वो हार्श जो एक निज़ाम है, प्रोसेस है, वो उसको गो थ्रू करे, पूरा एक्सपीरियंस करे, ठीक है। केस आप यहीं पर फिर ख़त्म हो जाता है फिर उसमें, ठीक है, केस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब डायवर्जन के लिए जो है ना, वो रेफ़र करते हैं जुवेनाइल जस्टिस कमिटी को, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस कमिटी के पास जाता है केस डायवर्जन के लिए कि जी इसको डाइवर्ट करना है, और ये इन्होंने एक महीने के अंदर अंदर करना होता है, ठीक है। अब उसमें जाहिर है फिर वो जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी होती है वो कंसेंट करती है कि जी किस तरह से जो जिसने कंप्लेन करी होगी, जाहिर है जो विक्टिम है उससे भी कंसल्ट करेगी कि जी हम इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, अगर इफ़ इन केस वो आपसे माफ़ी मांग ले, अगर आपका जो डैमेज जो हुआ हुआ है वो अगर उसका पे कर देता है, ठीक है, और या फिर अगर वो कुछ टाइम कम्युनिटी सर्विस में अगर गुजार देता है, अगर आप उसको माफ़ी दे देते हो, तो ये एक अच्छा निज़ाम है बच्चों के लिए, ठीक है, ये कहलाता है डाइवर्जन का निज़ाम। और इसको बहुत ज़्यादा
प्रायोरिटाइज किया जाता है जुवेनाइल के मामले में, कि किसी तरीके से बच्चे जो हैं वो जो एक ख़तरनाक किस्म का सिस्टम है वो उसको एक्सप्लोर ना करें, ठीक है ना, उसको एक्सपीरियंस ना करें। अच्छा, और इसके अलावा ये जो जुवेनाइल जस्टिस कमिटी है ना, ये एक और काम भी करती है। ये जो आपके ऑब्जर्वेशन होम्स होते हैं ना, यानी जहाँ पे जुवेनाइल को रखा जाता है, प्रिजन में नहीं रखा जाता ना, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है, तो जुवेनाइल जस्टिस कमिटी जो है वो ऑब्जर्वेशन होम की भी इंस्पेक्शन करती है कि भाई सही से सारे मामलात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और जो जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं उसकी भी इंस्पेक्शन करते रहती है कि जी वो वहाँ पे सही मामलात हैं कि नहीं है, ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो कि बच्चे के हेल्थ के लिए या बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए नुकसान दे, ठीक है। और देखती है कि जी तमाम जो चीज़ें हैं वो बच्चों की वेलफेयर के मुताबिक हो रही हों, बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक हो रही हों, और क्या बच्चों की ऐसी वहाँ पे तैयारी हो रही है कि उनकी प्रॉपर सोशल री इंटीग्रेशन हो सके सोसाइटी में, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस कमिटी जो है वो ये भी मेक श्योर करती है, इस चीज़ की इंस्पेक्शन करती है। और उसके अलावा अगर ये इसी डाइवर्जन के ही ऊपर अगर मैं बात थोड़ी सी एक्सपेंड करूँ, तो डाइवर्जन जो है, देखिए मैंने आपको पहले ना क्राइम्स की ऑफेंस की मैंने आपको तीन कैटेगरीज मैंने आपको बता दी ना इस एक्ट में जो डिफाइन हुई है, माइनर, मेजर और हाइनस, ठीक है। अब देखें माइनर और मेजर में जैसे मैंने पहले बताया उसमें तो बेल भी आसान है, तो उसकी डाइवर्जन का भी बड़ा ईजी सीन है, ठीक है ना, वो उसमें डाइवर्जन भी आराम से हो जाती है। लेकिन ये जब खतरनाक वाली कैटेगरी हो जाती है ना, हीनियस ऑफेंस हो जाता है, ठीक है ना, ब्रूटल ऑफेंस हो जाता है, ब्रूटल क्राइम हो जाता है, और जो विनाइल की जो एज है वो 16 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत हाल में फिर ये कि जो डाइवर्जन वाला है वो उस तरह से अप्लाई नहीं होता जैसे बाकी माइनर और मेजर के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे फिर ये है कि फिर थोड़ी बाकी चीज़ें फिर देखनी पड़ती है, कोर्ट की डिस्क्रेशन के ऊपर होता है कि वो आगे क्या फैसला लेते हैं, ठीक है ना। हेनेस कैटेगरी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये फैसला करना कि जी केस को डाइवर्ट किया जाए या नहीं किया जाए। और इसके अलावा एक जुवेनाइल का जो ट्रायल है वो एक एडल्ट के साथ कभी भी नहीं होता, ठीक है। जुवेनाइल को और एक एडल्ट को आप एक साथ ट्राई नहीं कर सकते अंटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी हो, कोई केस की रिक्वायरमेंट हो, कोई सूरत हाल इस तरह की हो, केस को की सॉल्व करने के लिए बहुत कोई इंपॉर्टेंट हो जाए तो समझ आता है, ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि जी साथ करना पड़ेगा। उस सूरत हाल में फिर आपने क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को फिजिकली कोर्ट में आप प्रेजेंट करो एक एडल्ट वाले में, उसमें फिर आप ये करो कि बच्चे को ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी लिंक के थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी एक डिजिटल आप प्रेजेंस बना लो, ठीक है, जिसमें वो पार्ट रहे कोर्ट प्रोसीडिंग का, उसको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इतना मतलब आप समझ लें कि बच्चों के हवाले से ये प्रोटेक्शन मेजर हमारे पास मौजूद है। और अगर हम बात आगे बढ़ाएं तो देखें जो बच्चे हैं ना, जो जुवेनाइल है उसकी आप आइडेंटिटी भी रिवील नहीं कर सकते, कोई उसका नाम प्रिंट नहीं कर सकता, पब्लिश नहीं कर सकता, और अगर इन केस कोई कर देता है तो फिर उस पर सज़ा है, उस पर फ़ाइन है, ठीक है, उस पर इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा है जो कि 3 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। हाँ, अगर इफ इन केस की नौीयत कोई इस तरह की है और SHO अलाउ करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलाउ करता है केस की कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसमें फिर यह है कि चलो वो इजाज़त दे सकता है, ठीक है, परमिशन ग्रांट कर सकता है। लेकिन अगर वैसे ही कोई किसी जुवेनाइल का नाम पब्लिक कर देता है, केस की डिटेल्स पब्लिश कर देता है, तो उसमें फिर सज़ा है, ठीक है, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। और उसके अलावा जो फीमेल जो जुवेनाइल्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, भाई उनका तो मेल ऑफिसर, कोई मेल पुलिस ऑफिसर या मेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनको इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं कर सकता। और जुवेनाइल, एक फीमेल जुवेनाइल जो है उसको सेपरेट रखा जाता है बिल्कुल जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जो कि एक्सक्लूसिवली सर्टिफाइड होती है फीमेल इनमेट्स के लिए, ठीक है, उसमें मेल इनमेट्स नहीं होते, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं कुछ बड़ी आसान चीज़ें बताऊं, देखिए हैंड कफ नहीं कर सकते, प्रिजन तो मैंने बताया, प्रिजन में तो जाएगा नहीं जुवेनाइल, वो जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाता है, और जो शुरुआती जो पीरियड होता है उसमें ऑब्जर्वेशन होम में जाता है, ठीक है। जुवेनाइल को डेथ पेनल्टी आप नहीं दे सकते, उसको आप लाइफ इंप्रिजनमेंट आप उसको नहीं दे सकते, उसको आप फेटर्स में नहीं रख सकते, यानी कि आप उसके पाँव पर जंजीरें नहीं बांध सकते, हथकड़ियाँ नहीं पहना सकते, उससे आप लेबर वर्क नहीं करा सकते, उसको आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते, यानी कि आप उसकी पिटाई नहीं कर सकते, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर बशर्ते कि वो 16 साल की उम्र से ज़्यादा है उसकी एज है, आपको लग रहा है कि यार ये एस्केप कर सकता है, भाग सकता है हमारी कस्टडी में, या थोड़ा कोई नुकसान पहुँचा सकता है, उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है, या उसका जो क्राइम उसने जो कमिट किया हुआ है वो हेइनस कैटेगरी का ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो उसमें फिर यह है कि चलो आपने उसको हैंडकफ कर दिया, वो उसके लिए भी लेकिन रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि भाई इसलिए हथकड़ी पहनाई गई है, ये हमें खतरा है, ये हमें चीज़ महसूस हो रही है,
वैसे आप नहीं पहना सकते उनको, ठीक है जी, हैंडकफ नहीं कर सकते आप उनको, नो हैंडकफ, नो डेथ पेनल्टी, नो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नो प्रिजन, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ना, जुवेनाइल की प्रोटेक्शन के लिए कानून ने ये भी कहा हुआ था कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो होंगी वो सेपरेट जुवेनाइल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करेंगी, ठीक है। ये भी एक चीज़ एक्ट में थी और ये चीज़ जल्दी होनी थी। अब वो अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, वक्तन फवक्तन आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से एक्ट ने उसको होने को कहा हुआ था, लेकिन चलें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं। मैंने आपको बाकी ये पहले बताया हुआ कि जी बच्चे को लीगल असिस्टेंस उसको मिली भी होगी, स्टेट के खर्चे पे मिली भी होगी, स्टेट खर्चा उठाएगा, ठीक है। बच्चा जो है और एडल्ट है उनका साथ ट्रायल नहीं होगा, उनका सेपरेट ट्रायल होता है। और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई है, जैसे तमाम चीज़ें, हाँ एक और चीज़ भी है, देखिए कोर्ट ये भी बोल सकता है कि जी बच्चे को बोस्टन इंस्टीट्यूशन भेज दिया जाए, ठीक है, अगर वो लगे कि यार इसको, अब बोस्टन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, देखिए किस तरह से आप लेबलिंग से बचा रहे हैं भाई। बोस्टन इंस्टीट्यूशन में ये होता है कि बच्चे को एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी उसको मेंटल मोरल साइकोलॉजिकल उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। इफ़ इन केस अ चाइल्ड कमिट्स अ क्राइम तो वो बोस्टन इंस्टीट्यूशन में जा सकता है, ठीक है। ये कोर्ट की डिस्क्रेशन के ऊपर होता है, ये कोर्ट के ऊपर होता है, जुवेनाइल कोर्ट के ऊपर होता है कि जी उसे केस किस नोयत का लग रहा है, उसे क्या लग रहा है कि बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या बेहतर है। और उसके अलावा भाई ये जो पूरे कानून है ना जो अभी हमने पढ़ा है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, इसका बाकी तमाम लॉज पे जो बच्चों से मुतालिक है उसके ऊपर एक ओवर राइडिंग इफेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये जब कभी भी कोई बच्चा लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में आएगा तो इस वाले एक्ट को तरजीह दी जाएगी, ठीक है, इस वाले एक्ट को प्रायोरिटी हासिल होगी कि जी इसको फॉलो किया जाए, ठीक है। बाकी तमाम ऑटोमेटिकली रिपील हो गए, ठीक है। मैंने आपको पुलिस का, मैंने आपको रोल बताया क्या है इन्वेस्टिगेशन का, उसने क्या करना है, उसने अपने साथ प्रोबेशन ऑफिसर को भी उसने इन्फॉर्म करना है, उसको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करानी है, बच्चे को उसके लीगल राइट बताने हैं, उसके गार्डियन को इन्फॉर्म करना है विद इन 24 आवर्स, ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर को बताना है ताकि वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाए। प्रोसिक्यूटर का मैंने आपको रोल बताया कि जी उसने ये मेक श्योर करना है कि तमाम जो चीज़ें हैं ये टाइमली हो रही हैं कि नहीं हो रही, प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही, एज प्रॉपरली डिटरमिन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, पुलिस वाले अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन ठीक से टाइमली हो रही है कि नहीं हो रही। और जो खास करके ये एज वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई पुलिस वालों ने जो एज है वो प्रॉपर डिटरमिन करी कि नहीं करी। अगर इफ इन केस प्रोसिक्यूटर को लगता है कि जी पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं करा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपना काम ठीक से नहीं करा, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए आगे बात कर सकती है कि जी इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट कि जी उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं बनाया, उन्होंने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट है, जो चालान है वो इनएफिशिएंटली बनाई है, उन्होंने फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया है, उन्होंने अपने जो काम है वो पूरी मेहनत से नहीं करा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और मैं देख रहा हूँ अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हुई है तो ज़ाहिर है पूरा एक्ट तो मैंने आपको नहीं बताया, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, मेरी कोशिश ये थी कि तो बस जो मेन फीचर्स हैं, मेन इसके सेलिंग फीचर्स हैं, मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ताकि ज़ाहिर है हमें चीज़ें याद भी रखनी होती हैं और पेपर में ये तमाम चीज़ें लिखनी भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से यार यही है, बस यही चीज़ें भी अगर हम याद कर लें, रख लें, ये चीज़ें हमारे इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे ईज़िली इतनी चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।